अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जेली वाला कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध लिया है, इसको बॉईल करके गर्म करके ली हूँ मैंने। और यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर ली हूँ। जेली बना रही हूँ तो इसलिए मैंने आधा नींबू का रस निकाल के ली हूँ, 1 चम्मच है ये। और ये 2 चम्मच रोज सिरप है। और यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ली हूँ 1 चम्मच ये वाला। और शक्कर है 50 ग्राम, दूध है। जेली बनाने के लिए पानी लगेगा। यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर ली हूँ 3 चम्मच। और ये कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने शक्कर ली हूँ, ये भी 50 ग्राम है, 2 बड़े चम्मच है। जेली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छोटी डेगची ली हूँ, इसमें मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी। लेमन डालूंगी 1 चम्मच है ये। शक्कर है, शक्कर भी ऐड करूँगी इसमें। एक कॉर्नफ्लोर, इसको अच्छे से मिक्स करना है। जेली बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। आप ऐसे भी बना के उसको फ्रिज में कोई वाटियों में से ऐसे बच्चों के लिए बना के रख सकते हैं। कॉर्नफ्लोर की अच्छी बनती है जेली। इसमें मैं रोज़ सिरप ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप जो फ्लेवर लेना चाहे ले सकते हैं। मैंने पाइनएप्पल की भी बनाई हूँ, थोड़ा सा गुलाबी कलर ऐड की हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा कलर आने के लिए चुटकी पर। मैंने गैस चालू की हूँ, गैस पे इसको 2-3 मिनट अच्छे से पका के लेना है। इसको लगातार चलाते रहना है, जैसे ही थोड़ा गाढ़ापन आ गया है इसको, और 1 मिनट अच्छे से पका के लेना है इसको। ये अच्छे से पक चुका है। और इसको मैं अभी गैस बंद की हूँ, वैसे इसको ठंडा होने के बाद मैं डब्बे में उतूँगी और फ्रिज में रखूँगी। गैस चालू की हूँ, वापस से दूध रखी हूँ गर्म करने के लिए। यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर में ये दूध ऐड करूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करके लेना है। आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं कस्टर्ड पाउडर। और वीडियो पूरी देखो मेरी, और अच्छा लगा तो लाइक करो। दूध गर्म हो चुका है, मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको लगातार चलाना है, साथ साथ मैं शक्कर भी ऐड करूँगी। उसमें बादाम ऐड करूँगी, बादाम इसमें पकने से अच्छा फ्लेवर, अच्छा टेस्ट आता है, खाने में अच्छा लगता है। इसको अच्छा 5 मिनट धीमे आँच पे इसको अच्छे से पका के लेना है कस्टर्ड पाउडर को। इसे पक चुका है, गैस बंद कर रही हूँ। ठंडा होने के बाद में हम सर्व करेंगे इसको। मैं ठंडा होने के बाद थोड़ा फ्रिज में रखूँगी। अच्छे से सेट हो चुके हैं, ये मैंने पहले बनाई थी और ये मैंने अभी बनाई थी। दोनों इसे इसको कट करके लेना है जेली को। ये ऐसे भी खाने को बहुत अच्छी लगती है। इसे सिर्फ चौकने पीस करके लेंगे। बहुत अच्छी बनी है जेली। मैं ये जेली इसमें ऐड करूँगी, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी हो गई है जेली, एकदम अच्छे से पीस आ रहे हैं इसके।
हम थोड़ी वो गुलाबी वाली डालेंगे, ये रोज़ की। सर्व की हूँ मैंने। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।